भाई साहब यहाँ पर आप देख सकते हो कितने सारे लैपटॉप की 18650 बैटरी है, मतलब काफी छोटी बैटरी 19 तो भाई इससे बैकअप लेने के लिए हमें काफी सारी बैटरी जोड़नी पड़ती है भाई, एक बैटरी बैकअप नहीं देती। तो भाई साहब आज इस वीडियो में मैं भाई एक भारी हैवी बैटरी बनाने वाला हूँ। भाई साहब आपको यकीन नहीं होगा और भाई आपने ऐसा आइडिया सोचा भी नहीं होगा और देखा भी नहीं होगा, भाई मजा आ जाएगा जो बात है भाई, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी बैटरी से रिलेटेड। तो गाइस आज इस वीडियो बनाने वाले 18650 एक बिग बैटरी, बहुत मजा आएगा। चलते अपने टॉपिक पर, चलिए समर एक्सपेरिमेंट। तो भाई सबसे पहले मैंने ले लिया एक पीवीसी का पाइप 5.5 सेंटीमीटर 14.5 सेंटीमीटर। ओ भाई आप कंपेयर कीजिए कितनी छोटी बैटरी लगाई इसके सामने भाई। वैसे गाइस मैं इससे बड़ी बना सकता हूँ या गाइस आप बना सकते हो, मैं गाइस एक आपको ऐड दे रहा हूँ, बड़ी या छोटी बना सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो भाई मैं फटाफट आता हूँ सामान लेकर कुछ। वाह हाँ गाइस टूट गई, देखो भाई मैंने ज्यादा जोर से बैक मार दी, स्मार्ट टूट गई, ताकत है भाई के अंदर। वैसे गाइस ये वाली पीवीसी शीट काफी अच्छी है, मतलब अच्छी क्वालिटी मैंने ली है, फिर भी भाई टूट गई, मैं ज्यादा ताकत हूँ इस बारे में, आज मुझे अपनी ताकत का पता लगा। खैर इसे रखते हैं साइड में और भाई इसके फटाफट सर्कल कट करते हैं। ठीक है भाई साहब शॉर्टकट में कट कर दिए हैं, बिल्कुल गोल मटोल आपकी तरह। ओ, आप गोल मटोल नहीं हो, आई एम सॉरी। तो गाइस आपको ऐसा वरदान मिला भाई का कितना खाओ मोटे नहीं हो सकते। कहा सर हमें ऐसा मिला था भाई, कुछ भी खा ले एकदम मोटे हो जाते हैं। खैर जो बात है आजकल हम पतले हो रहे हैं। तो भाई साहब दो कट कर दिए और इनके अलावा भाई हमें कुछ और भी कट करना पड़ेगा। ये रही भाई साहब तीन कनस्तर की शीट जो कि बहुत इजी मिल जाएगी आपको लोकल में, मतलब आपके घर में मिल जाएगी बहुत सके। तो भाई हमें इस टीन की शीट का नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल बनाने इसके और भाई इन दोनों पर अलग तरीके से चिपकाएंगे थोड़ा, है ना। मैं अपनी चोंच बंद करके आपको दिखाऊंगा कि भाई कर क्या रहा हूं। तो लीजिए भाई साहब देखिए कैसा लग रहा है, ये पॉजिटिव आउटपुट है और ये नेगेटिव इसका आउटपुट है बैटरी का। इन्हें तो भाई हम बाद में चिपकाएंगे, अभी इसमें एक जुगाड़ और लगाऊंगा, आपको बिल्कुल सेम टू सेम बैटरी जैसे लुक आएगा, बेफिक्र रहो। तो भाई फिलहाल रखते हैं साइड में। अब क्योंकि भाई आप जानते हो ये मैं एक बड़ी बैटरी बना रहा हूं, तो गाइस खाली बैटरी बनाने से कुछ नहीं होगा। तो गाइस मैं इसमें कुछ ऐसे फीचर्स डालने वाला हूं जो गाइस आप इसे हमेशा अपने पास रखोगे और इसे यूज करोगे। तो भाई एक पावर बैंक मॉड्यूल जो कि टाइप सी वाला है और गाइस ये बैटरी को रिचार्ज भी करेगा सेफली। और भाई साहब एक स्पेशल वो बैटरी लेवल इंडिकेटर, ये काफी अच्छा लगेगा जो गाइस 18650 बैटरी में नहीं होता लेकिन इसमें रहेगा। खैर जो बात है। और भाई साहब तीन एलईडी पे लगाऊंगा मैं जो कि हाफ पार्ट में है और 4-5 वोल्ट पे काफी तेज जलती है, ब्राइट मस्त। तो गाइस फटाफट इस पाइप में कटिंग कर लेते हैं जो जो हम इसमें फिट करने वाले हैं कलर करने से पहले, उसके बाद गाइस मैं इस पर कलर भी करूंगा। तो भाई साहब यहाँ पर देखिए कलर सूख चुका है और काफी लाल लाल सा लग रहा है। भैया जियो मेरे लाल, मेरे जियो रे लल्ला, रुक जाओ कैसा कर लेते हैं यार। खैर काफी मेहनत करते हैं बेचारे और काफी इज्जत और उन्हें सम्मान देना चाहिए। खैर जो बात है ये हम टॉपिक से भटक रहे हैं। तो भाई साहब इतना बड़ा ये बैटरी, ये है बैटरा 18650 लैपटॉप बैटरी का बाप, वो भी असली वाला, कैसे पता लगेगी, डीएनए करा सकते हो। चलो भाई अब फटाफट इसकी फिटिंग करते हैं जो गाइस हमने सारे होल वोल कटिंग पेंट वेंट सब कर लिया है। तो गाइस बन रहे हो फटाफट फिटिंग कर लेते हैं। तो लीजिए गाइस देखिए क्या मस्त लग रहा है, इसकी फिटिंग हो गई है और भाई देखिए दो ब्लैक निकाले हैं और भाई दो वायर रेड निकाले हैं बैटरी के और टर्मिनल की आउटपुट के इसके। तो भैया अब आते हैं इसकी फटाफट बैटरी पर।
तो गाइस बैटरी की कोई कमी नहीं है भाई साहब, होगी तो और बैटरी आ जाएंगी। मेरे हिसाब से इसके अंदर 8-9 बैटरी तो आराम से आ जाएगी। तो गाइस देखते हैं और भाई बैटरी को फटाफट जोड़ते हैं पैरेलल में। साफ साफ सी बैटरी निकाल लेता हूँ, वैसे इनमें से कोई भी साफ नहीं है। अगर ऊपर वाला झूठने वाला है मेरे से तो मतलब कि जिसकी कोटिंग ना ऊपर की ये साबुत होनी चाहिए है ना। वैसे तो ठीक है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई कितनी बैटरी होगी, ये होगी भाई तो 8 और भाई 1-9 बाद धांसू माल बनाने वाले भी जो बात है, देखो 9 बैटरी भाई साहब। तो भाई फटाफट इन्हें जोड़ते हैं आपस में। तो भाई ये बैटरी मैंने पाइप के हिसाब से बनाई है जिससे कि अच्छे से फिट हो जाए। देखो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग हो गया और भाई ये अलग हो गया, तो ये जैसी फिटिंग है उसके हिसाब से हमें बैटरी बनानी पड़ती है। और भाई ये सारी पैरेलल में, यानी कि सबके नेगेटिव एक साथ जोड़ दिए हैं, सबके पॉजिटिव एक साथ जोड़ दिए हैं। सेम यहाँ पर क्या है, सबके पॉजिटिव एक साथ जोड़ दिए और सबके नेगेटिव एक साथ जोड़ दिए, ठीक है। अब भाई इसका पॉजिटिव भी इसके पॉजिटिव के साथ जुड़ जाए, यानी सारी बैटरी के नेगेटिव एक साथ और पॉजिटिव एक साथ में मिला दिए हैं। अब भाई फटाफट फिटिंग करते हैं। तो भाई फिटिंग करना वैसे मुश्किल है नहीं, देखो ये पॉजिटिव ऊपर रहेगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पर देखो इस तरीके चला गया, कोई भी इनमें से पॉजिटिव इसमें जोड़ देंगे। ये रहा इस बैटरी का नेगेटिव, तो भाई ये इस बैटरी के नेगेटिव से ही कनेक्ट होगा। तो भाई साहब काफी भारी बैटरी बन चुकी है, देखो यहाँ बिल्कुल फिक्स है हर चीज गाइस, मैंने फिक्स तरीके से लगाई है जिससे भाई ठीक रहे इधर उधर ना हिले। और भाई सारी बैटरी फिक्स है, इस साथ बैटरी गाइस नहीं आ पाएगी, इसमें 9 बैटरी है इनफ है। और गाइस सारी बैटरी पैरेलल में है, ठीक है, क्योंकि भाई आप जानते हो 3.7 वोल्ट वर्क करता है, ये वर्क करता है और भाई ये वर्क करता है। अगर आप चाहो तो गाइस ऐसे 12 वोल्ट के बना सकते हो, तो भाई आपको इस हिसाब से 12 वोल्ट के सारे मॉड्यूल लेने पड़ेंगे। भाई मैंने सोचा जब हम लैपटॉप की बैटरी बना रहे हैं तो भाई इससे वही वोल्टेज लगे जो बैटरी में होते हैं, वरना गाइस आप जानते हो 12 वोल्ट 20 और 50 वोल्ट कितने वाला लो भाई, आपको बैटरी सीरीज में जोड़नी पड़ेगी। खैर जो बात है गाइस, अब इसके आउटपुट पर आते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पर, जो गाइस इंपॉर्टेंट है। और गाइस वैसे मैंने काफी अच्छे तरीके से बनाए हैं, कुछ कमी होगी तो गाइस सॉरी, आई एम सॉरी, पहले ही मैं अपनी खता क्या कहते हैं, मैं माफी मांग रहा हूं। सिंपल सी बात है। चलो भाई साहब ठीक है, भाई साहब फटाफट लगाते हैं। तो भाई ये रहे इसके कुछ आउटपुट का हिसाब। और भाई यहाँ मैंने व्हाइट के जानबूझ के जिससे थोड़ा सा अच्छा लगे, देखो ये रहा। और भाई ये जो है ये पार्ट इसको ऊपर आएगा, क्या मस्त लग रहा है जो बात है, ठीक है, ये अच्छा लग रहा है। और भाई साहब ये इसको ऊपर आ जाएगा इस तरीके से, ये गाइस हो गया नेगेटिव और भाई ये हो गया पॉजिटिव। तो भाई साहब फटाफट इन पर भी लगाते हैं वायर, वायर लगाना थोड़ा तरीका लग रहेगा। तो भाई मैं क्या करता हूँ, सीधा गाइस आपको होल्ड करूंगा जिससे इसके अंडरवियर अंडरग्राउंड वायर आ जाए, जिससे गाइस दिखाई ना दे, ऐसे मैं करता हूँ, ठीक है। तो गाइस देखते रहो मैं क्या करता हूँ, फाइनल यार कोई टेंशन नहीं, फाइनल प्रोसेस पे चल रहे हैं और फटाफट इसे कंप्लीट करते हैं। तो लीजिए गाइस बन चुकी हमारी 18650 बैटरी या बैटरा। और भाई साहब देखो ये कैसा लग रहा है, और बैटरी इंडिकेटर, टॉर्च या इमरजेंसी लाइट, पावर बैंक, और भाई ये इस बैटरी को चार्ज भी करेगा। और गाइस काफी लोग कहेंगे कि समर यार इससे काफी स्लो रिचार्ज होगा, भाई 9 बैटरी है तो भाई साहब टेंशन भी लेने का, अगर आपके पास लिथियम आयन बैटरी चार्जर हो तो गाइस आप आराम से इसे रिचार्ज कर सकते हो, इससे तो फास्ट कर सकते हो, क्योंकि भाई ये मोबाइल चार्जर चार्ज होगा तो थोड़ा स्लो होगा, 9 बैटरी है, सिंपल सी बात है। हाँ रात भर लगा दो और वैसे चार्ज होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और भाई साहब बैकअप काफी हाई देगा। चलो भाई फटाफट इसकी टेस्टिंग करते हैं, पहले गाइस इसका वेट करते हैं कि भाई कितना वेट है। तो गाइस ये एक बैटरी 18650 जो कि 2000 mAh की है, यहाँ पर इस पे लिखा भी मेंशन भी है, ठीक है। और भाई ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, जो गाइस आपको बिल्कुल देखने में सेम लग रहा होगा, और भाई ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। भाई इसका वेट करते हैं कितना है, देखो भाई 46 ग्राम, ओनली 46 ग्राम। अब रखते हैं भाई साहब इस बैटरी को, ले जाओ भाई साहब 519 ग्राम, भाई साहब 10 गुने से भी ज्यादा हैवी है गाइस ये इस बैटरी मुकाबले। हाँ वैसे हाफ केजी कोई ज्यादा भी नहीं है, लेकिन हाँ बैकअप भाई साहब और बैटरी भी धांस हुई जो बात है। अगर भाई आपको लग रहा हो कि समझ भाई ये बैटरी इधर से नहीं लग रही, मतलब इतने सारे सिस्टम बैटरी में नहीं होते, तो भाई ऐसे को मान लो। अब गाइस कैसे लग रही है बताओ, लग रही है भाई बिल्कुल बैटरी के लोग। चले गाइस अब इसके फटाफट टेस्टिंग करते हैं, आउटपुट लेके देखते हैं हम इससे क्या क्या चला सकते हैं। भाई सबसे पहले अपना मोबाइल चल करके देखते हैं, ये डिटक केबल इसमें लगाई और भाई साहब ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा जिसमें लगेगी, तुरंत ऐसा कर रहा है। और भाई ये हाफ चार्ज है और फुल चार्ज 50 मिनट लेगा, जो गाइस बता रहा है, ठीक है, स्लो चार्ज नहीं है। और भाई देखिए यहाँ पर आपको इसमें अच्छे तरीके से इंडिकेटर भी शो रहा है, ठीक है, तो ये काफी क्यूट लग रहा है इंडिकेटर जो बात है, ठीक है, इसे निकालते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो भाई इसे रिचार्ज करके देखते हैं, वैसे गाइस यहाँ से हम चेक कर सकते हैं इस पुश बटन से, देखिए ये रहा गाइस, इससे पता लग जाएगी बैटरी कितनी चार्ज है, बैटरी लगभग 80% चार्ज है हमारी,
रही, ठीक है। तीन इंडिकेटर दिखा रहा गाइस, थ्री एलईडी जल रही है, देख सकते हो, है ना। ये गाइस पुश बटन मैंने इसने लगाया था भाई, आपको हरदम चेक करनी होती नहीं है, कभी चेक किया, बस ऐसे पता लग गई, बस छोड़ दो। ये टाइप सी चार्ज मॉड्यूल है, ठीक है। तो टाइप सी रहा, मैं देखो ये, ठीक है, ये रिचार्ज हो रहा है, ब्लिंक कर रहा है, आराम से फुल लाइट छोड़ दो, रिचार्ज होता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई मोबाइल रिचार्ज करके देख लिया और भाई इसका इंडिकेटर चेक कर लिया, यानी कि बैटरी लेवल इंडिकेटर अच्छा काम कर रहा है, लगभग 80% बैटरी ये रिचार्ज है। तो भाई साहब अब चेक करते हैं इसका एलईडी, या एलईडी टॉर्च या एलईडी बल्ब, जिससे गाइस हम इसका यूज कर सके, जैसे पढ़ाई के लिए या इमरजेंसी में कभी यूज कर सके, काफी अच्छी ब्राइटनेस है। और एक बात और गाइस, मैंने स्टार्ट में आपको 8 एमएम की एलईडी दिखाई थी, लेकिन भाई 5 लग गया, 8 एमएम की काफी ज्यादा लग रही थी, काफी हैवी लग रही थी, तो भाई मैंने 5 एमएम की लगा दी, ये ठीक है, काफी अच्छी ब्राइटनेस है, काफी अच्छी रोशनी देती है। चलो भाई इनकी फटाफट टेस्टिंग करते हैं। भाई लाइट मैंने बंद कर दी है और चालू करते हैं फटाफट। अरे बाप रे, ये भाई डायरेक्ट मुंह पड़ती है। तो गाइस आप चाहो तो इस पर डिफ्यूजर लगा सकते हो, वैसे काफी अच्छी लाइट है ना, मतलब नाइट में काफी दूर तक भाई जाती है एलईडी, और तीन तीन यहाँ पर मैंने एलईडी लगाई है, तो काफी इसकी हाई ब्राइटनेस जो बात है। तो भाई सब ये रहा मल्टीमीटर हमारा, तो भाई फटाफट इसके आउटपुट भी चेक करते हैं। तो भाई ये रहा इसका पॉजिटिव ऊपर वाला, और भाई ये रहा इसका नेगेटिव, देखो 4.01। मैंने कहा अप्रोक्स बैटरी 80% चार्ज है, ठीक है। देखो यार आउटपुट आप कहीं भी लगाओ आउटपुट आ रहा है। ये रहा भाई 130 नंबर मोटर, जो कि 5 वोल्ट पर मस्त काम करता है, तो भाई इसको चलाते हैं, ठीक है। और भाई देखो इसका एक फायदा है, ये हमने लगाया ना एलईडी, देखो ये पलटेगा नहीं ऐसे, देखो ये रहा देखो भाई ये जाएगा नहीं, देखो इधर को, ठीक है। तो भाई ये घूम कर कहीं गिरेगी नहीं बैटरी, इसका गाइस ये फायदा हो गया। और इसका पॉजिटिव भाई काफी बड़ा है, कहीं भी लगा दो, ये रहा। ओ हो, पतंगे तो छुट गए भाई इसके, तो भाई बैटरी मेरे हाथ में नहीं आ रही है, ठीक है, तो मैं ऐसे ऐसे पकड़ दूंगा। तो काफी पावरफुल बैटरी है मुझे बात है। तो भाई साहब काफी अच्छा काम कर रही है, और भाई मुझे इससे देख देख कर बाबा हंसी आ रही है भाई, मतलब इतनी भारी बैटरी है, और ये 18650 है भाई देखा जाए तो। अरे बात और गाइस देखिए, ये जो बैटरी है ये है 2000 mAh, और भाई इसके अंदर लग रही है 9 बैटरी गाइस, ये 18000 mAh की, भाई इससे 9 टाइम ज्यादा। और भाई बैकअप काफी मस्त देगी, मैंने 3.7 रखा है जानबूझकर, क्योंकि भाई साहब मैं एक 18650 बैटरी ही बना रहा हूं। आपके गाइस रिक्वायरमेंट है तो आप इसे 12 वोल्ट की बना सकते हो, अलग अलग वोल्ट में आप इसे बना सकते हो, ठीक है, और ये बहुत सिंपल है। तो फ्रेंड्स एंड करते हैं, आई होप गाइस ये आईडिया आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और प्लीज दोस्तों ये बताएं कि भाई इसका डिजाइन और कलर कैसा लगा। मेरे पास मोस्टली ज्यादा कलर रेड कलर ही है, इसलिए गाइस मैंने इस पर रेड कलर ही किया है, आप जैसा मर्जी कलर कर सकते हो।